बिल्कुल सुपर बाजार वाला स्टाइल है जी, जो आप लोग बाजार से बहुत खुश होकर लेकर आते, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बाजार में जी। रजत बस ये फिर हम ऊपर से स्प्रे कर देंगे इसको, ये देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर भी वही है और लुक भी वही है। रजत जी, तो ये आपकी झटपट से चले आपको बताते हैं। अभी स्पून शुगर रखी है, पिसी भी लिएगा क्योंकि इसमें मिलने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ। और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, तो पहले हम इसमें शुगर, अच्छा शुगर लाजमी पिसी भी होनी चाहिए जी। इसमें पानी रखा है ठीक, और इसी में मैं बॉइलिंग के लिए डाल दूंगा ठीक, और कुकर की लीड लगा दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हुशैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो अपनी एक छोटी सी रेसिपी है, अपने शेफ से पूछते हैं कि आज क्या हो रहा है हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ निमको बन रही है, ये मीठी नमकीन निमको जो बहुत लोग बच्चे शौक से खाते हैं, तो व्यूवर इसको मीठी निमको कहते हैं और बहुत शौक से खाई जाती है ईद त्योहारों पे। जिस किस्म का भी त्योहार हो आप लोग ये बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं, तो आप टाइम बचाते हैं और शेफ से पूछते हैं कि इसमें कितनी चीजें डलेंगी और किस स्टेप में क्या क्या होगा। शेफ बताइए क्या क्या लेनी है आप। देखिए वैसे मैंने दही ली है और ये नींबू ली, और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगी जो मैंने आप लोगों को दही ज्यादा बनाना सिखाया है। तो बस ये आपने इस तरह का दही बना लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नींबू किस तरह करनी है। देखिए व्यूअर, ये शेज ने एक पाव दही से तकरीबन 1.5 किलो दही बनाया था, जिसकी रेसिपी हम आपको दूसरे लिंक में डाल देंगे। अच्छा, ये होममेड दही बनाया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनता है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी हम आपको बता दें करना क्या है। इसमें पानी रखा है ठीक, और इसी में मैं बॉइलिंग के लिए डाल दूंगा ठीक, और कुकर की लीड लगा दूंगी मैं ठीक। अच्छा, इसमें और कुछ तो नहीं डलता ना? बस नहीं, इस तरह होता है ये। और इसकी पहली सीटे पे ही हमारा ये फटाफट से बन। अच्छा, शायद अगर किसी के पास ये कुकर नहीं है जो यूज नहीं करता तो वो डेक्ची में बना ले, डेक्ची में आइडिया में डाले जी। हाँ, बस जैसे हम चावल बॉइल करते हैं उस तरह ही आपने चेक करना है, और एक ही बॉइलिंग पे पक जाते हैं। बस अगर आप डेक्ची में भी बना रहे हैं तो एक बॉइलिंग पे, बिल्कुल आप इसी तरह प्रेशर कुकर पे बना रहे हैं तो फर्स्ट सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग आपको बताते हैं। बस ये मैंने निमको एक सीटी पे उबल गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ठीक है। तो इसको हमने बॉइल कर लिया और उसके बाद हमने ये दही बनाया था, तो जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, थोड़ा सा ऐसे लिक्विड फॉर्म में रखना है। हाँ जी, क्योंकि ये भी सोप करेगी अभी। सही है, हाँ बिल्कुल करेगी, तो जितना हमें करना है उतना कर लेंगे। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून शुगर रखी है, पिसी भी लिएगा क्योंकि इसमें मिलने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ। और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, तो पहले हम इसमें शुगर, अच्छा शुगर लाजमी पिसी भी होनी चाहिए जी, पिसी भी पाउडर फॉर्म में, आप लोग घर में पीस लें। हाँ, वही मतलब पाउडर फॉर्म में ना, क्योंकि वो चीनी मत डालिएगा वरना उसके वो दाने, आप लोग बहुत टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, तो ये फटाफट से हो जाती है। अच्छा, आप तो पीस के रखती हैं जी। हाँ, इस स्टेज पे हम ये डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए करेंगे ठीक। बस इसी स्टेज पे फिर हम अपनी नीम को डालेंगे ठीक। शेज बहुत झटपट हो गई है तो है शेज ठीक, और बहुत मजे की होती है ये, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मीठी मीठी सी, खट्टी मिट्टी सी, चाट मसाला खट्टा खट्टा होता है। अब ये देखें आप, इसकी थिकनेस देखें कितनी अच्छी है, बिल्कुल सुपर बाजार वाला स्टाइल है जी, जो आप लोग बाजार से बहुत खुश होकर लेकर, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बाजार में जी। रजत बस ये फिर हम ऊपर से स्प्रे कर देंगे इसको, ये देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर भी वही है और लुक भी वही है। रजत जी, तो ये आपकी झटपट से चले आपको बताते हैं। अभी देखिए व्यूअर, ये शेज ने बहुत झटपट बना लिया और आप इसको अपने किसी भी त्योहार में बनाए। और स्पेशल बात मैं आपको बता दूं, जो शेज ने इसमें दही इस्तेमाल किया है जो दही फुल्की के लिए और इस टाइप की जो इनके लिए, ये शेज ने 1 पाव से 1.5 किलो बनाया है, 1 पाव से तकरीबन 1.5 किलो इन्होंने, 1.5 केजी, हाँ 1.5 केजी ने बनाया है। और इसका जो रेसिपी है उसका लिंक मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगी शायद आप कुछ? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए आने वालों के लिए है कि इसको सब्सक्राइब करें।
तो व्यूअर्स देखें आपकी कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल रही है आपको। इंशाल्लाह आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे तो आपको बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।